हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बांसु। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर टू। और इससे पहले हम दो वीडियोस देख चुके हैं चैप्टर नंबर टू की, ये थर्ड वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन क्या होते हैं तो देखिए, सबसे पहले समझिए सॉल्यूशन के टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज सॉल्वेंट एंड अनदर इज सॉल्यूट। ओके, सॉल्वेंट क्या होते हैं तो सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच dissolved another components in it. Okay, it is the component which dissolved another component in it. In it. Okay, ये क्या करता है, अपने अंदर दूसरे component को dissolve करता है। और एक चीज ध्यान रखना है, ये हमेशा larger होता है, larger in quantity. ठीक है, ये हमेशा क्वांटिटी में कितना होता है, लार्जर होता है। इज दैट क्लियर? इट इज ऑलवेज लार्जर इन क्वांटिटी। ओके, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट व्हिच इज डिसॉल्वड, इट इज कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिसॉल्वड इन सॉल्वेंट। ठीक है, ये वो कंपोनेंट होता है जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। एंड इट इज ऑलवेज स्मॉलर और लेसर इन क्वांटिटी, स्मॉलर और लेसर इन क्वांटिटी। बेटा ये हमेशा क्या होता है, क्वालिटी में कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मान लीजिए एक सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है? वाटर एंड साल्ट का। वाटर है प्लस आपके पास साल्ट है, तो देखिए आपको पता है इसमें वाटर लार्जर क्वांटिटी में होता है। वाटर क्या करता है, अपने अंदर साल्ट को डिसॉल्व करता है, तो वाटर को क्या हो गया, सॉल्वेंट। ओके, और साल्ट क्या हो गया, सोल्यूशन, सॉरी सॉल्यूट। ओके, और वाटर और साल्ट का जो मिक्सचर है इसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन। एग्जैक्टली बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं सॉल्यूशन की। पहली प्रॉपर्टीज, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्लियर, कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस आपको याद है, जिसमें जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। दूसरी बात, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, यानी पार्टिकल के साइज होते हैं वो 10^-9 मीटर। ठीक है, या 1 नैनोमीटर से कम होता है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इट डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, यानी अगर आप यहाँ से टॉर्च ले और टॉर्च से आप लाइट पास करें तो वो लाइट आपको दूसरी साइड में दिखाई नहीं देगी। ओके, सो दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्टरेशन, यानी अगर आप इसको छानेंगे फिल्टर पेपर की हेल्प से दूसरे बर्तन में, तो आपको जो साल्ट और वाटर या सुगर और वाटर उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? लास्ट, डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट एंड डिस्टर्ब्ड, व्हेन लेफ्ट एंड डिस्टर्ब्ड, यानी अगर आप इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए बिना इसको टच किए, तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि साल्ट नीचे जमा हो गया, वाटर ऊपर आ गया। ठीक है, तो यानी जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, सोल्यूट पार्टिकल्स है, वो बॉटम में सेटल नहीं होंगे। ओके, तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कंपोनेंट्स दो होते हैं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, और ये इसकी प्रॉपर्टीज है कि होमोजीनियस मिक्सचर है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेस होता है, दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, एंड दे डू नॉट सेटल्ड व्हेन सोल्यूट लेफ्ट